ये कल की तस्वीर आपने देखी होगी हमारी, आज ये दूसरी तस्वीर है। कल तो ये 8 बजे आए थे, मैं इनसे 2 घंटे पहले आया था। इतनी खुशी थी, लोकतंत्र पे जो है ना भरोसा था, जो मुझे लगा जो चीजें हुई उसकी वजह से बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा नामांकन लिया है। लेकिन 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में ना जैसे जैसे होता है ना कि खेल में रोमांच, जैसे होता है ना क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले से मोड़ ले रहे हैं अनिश्चितताओं का खेल। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है यार। जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने। 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहां पे हम लड़ने निकले हैं, जहां पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहां पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीजें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीजें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज डीएम साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25-27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी, ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। इन्होंने 3 बार उनको बोला है, मैं इन पे भी आऊंगा, इनको बोलूंगा कि आप अपनी बात रखो। लेकिन जो शपथ नहीं दिलाई गई हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में। और हम गए हैं वहां पे, और वहां पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीजन दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं, बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। दूसरी चीज ये कि वहां पे सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि आपने 14 तारीख को 2:58 पे आपने फॉर्म दिया है, अगर इसमें कमी होती तो हम आपको 3 बजे तक का टाइम देते, 14 तारीख को 3 बजे तक का टाइम देते जिसमें आप जमा करा सकते हो। अब जब हम यहाँ पे 10 तारीख से जूझ रहे हैं, मैं आया हुआ हूँ, कोई बहुत पहले से आया हुआ है, वो 14 तारीख तक इंतजार करते हैं, मोदी जी के जाने के तक इंतजार करते हैं, 13 तारीख को पूरे दिन लाइन में रहते हैं, वहां पे एंट्री नहीं है किसी की। वहां पे पूरे दिन 4 लोग जो गए वहां पे 13 तारीख को, वो कौन लोग थे? वो 4 लोग हमें आंखों से दिख रहे हैं, खड़े हैं वहीं पे। इतनी धीमी प्रक्रिया बनाई गई कि जो लोग हैं उनको 14 तारीख को 3 बजे एंट्री करवाओ। वहां पे हमारा फार्म दिया हमने 5 बजे और वहां पे टाइम लिखा हुआ है 2:58, और फिर भी उसके बाद में देखिए हमारे पास उसकी कॉपी है, उसमें अभी लिखा गया है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टाइम दिया जाता है जमा कराने का 14 तारीख को रात को 11:59 शाम, रात को 11:59। हम फिर भी जागरूक थे, मैंने कहा लड़ना है यार, अब वीडियो डाल दिया, लोगों को बात पहुंचा दी, अब लड़ना है, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, एफिडेविट बनाया। रात को 9:15 यहाँ पे पहुंचे हैं डीएम साहब के ऑफिस में, डीएम साहब आए हैं थोड़ी देर बाद में। डीएम साहब ने आते ही बोला ये यहाँ पे कैसे पहुंच गए, पिकनिक स्पॉट है ये, पिकनिक बना रहे हो क्या यहाँ पे, यहाँ कैसे पहुंचे तुम लोग? फिर हमारी बात तो सुनी नहीं उससे पहले पुलिस वाले जो अधिकारी थे उनको बोला नौकरी चली जाएगी तेरी, ध्यान दे ले अब इस पे, निकाल इनको बाहर यहाँ से। ये बोल के हमें रात को बाहर निकाला है। हमने सोचा हमारी गलती है, हम सुबह आएंगे, टाइम से आएंगे, हम यहाँ पे टाइम से पहुंचे हैं, 11 बजे से पहले एंट्री नहीं, साहब खुद 11:15 आए हुए हैं, और उसके बाद में जो लाइन लगी है वापस पर, जो प्रत्याशी है उनकी लाइन लगी है, और 3 बजे तक दो प्रत्याशी जो है वहां पे रहे हैं। उसके बाद में मैंने देखा चीजें बदलती, मैंने देखी, ये मैं दिल से कह रहा हूं यार, मैं 2014 में सपोर्ट करता था, जो लोग मेरे भाई सपोर्टर हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं भी सपोर्टर ही था। मैंने चीजें बदलती हूं देखी कि 3 बजे के बाद में पुलिस वाले ज्यादा आने लग गए, इधर पुलिस होगी उधर पुलिस होगी। 4 बजे क्या हुआ कि इधर उधर लोग आने लगे जो सपोर्टर थे, चारों तरफ से घेर लिया गया। जो हमारे भाई साथी जो कैमरे में आपको दिखा रहे हैं ना, ये वही पानी दे रहे थे, ये भाई के साथ मारपीट होते मैंने देखी है, ये मारपीट होते इसके साथ मैंने देखी है। मैंने वहां पे मैंने बताया इनको, मैंने कहा मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हो, मैंने उनको बोला क्या भाई क्या हुआ, बोले किसके साथ है, मैंने कहा मेरे साथ है, ये हमें पानी पिलाने के लिए वहां पे खड़े हुए थे, इनके साथ मारपीट की, इन भाई के साथ मारपीट की। मैं कह रहा हूं ये मोदी जी एक्टिंग करते होंगे रोने की, मैं रोना चाहता नहीं हूं, मेरे को आ रहा है लेकिन मैं रोना चाहता ही नहीं हूं, ठीक है। मैंने ये चीज देखी है, लोकतंत्र की जो हत्या है ना वो आज मैंने देखी है, वो माहौल मैंने बनते देखा है। अब जब हम बाहर निकले, डीएम साहब से बात करी है, मैंने एक ही बात बोली, डीएम साहब बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे खिलाफ एक व्यक्ति जो मेरे पास ही खड़ा था पूरे दिन से उसने आपत्ति जता दी,
एक लेटर दे दिया। मैंने कहा सर ये किस चीज की आपत्ति है, बोले आपके प्रस्तावक फर्जी है, चलो उस पर हम जाते ही नहीं है, जाते नहीं है क्योंकि फर्जी नहीं है तो जाएंगे कैसे। वो जो भाई साहब है उनसे भी मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा बहुत धन्यवाद। अब जो है बनारस की गलियां हैं इनका भी बहुत धन्यवाद, बनारस के लोगों का बहुत धन्यवाद। फिर भी लोकतंत्र मैं नहीं मानता, हत्या हो गई, बचेगा लोकतंतर है भारत में, भारत माता की जय। भाई साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे से और रखी नहीं जाएगी यार। बिल्कुल खारिज हो गया, बिल्कुल स्पष्ट खारिज हो गया। हमारी जीत जो कल हुई थी वो आज हार हो गई, लेकिन हमारी हार में जीत इसलिए हो गई कि जो हम यहाँ पे दिखाने आए थे वो हमने दिखाया है, लोगों को ये दिख गया है। ये तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 258 इस पे टाइम दिया है। लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि आपको, आप चुनाव लड़ने निकले हो आपको वोट नहीं मिलेंगे, 500 नहीं मिलेंगे, 1000 नहीं मिलेंगे। अरे हम जीतने नहीं निकले थे, ये दिखाने निकले थे, ये दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाने निकले थे हम, ये दिखा रहे हैं, ये सच्चाई दिखा रहे हैं आपको। आज मोदी जी के सिस्टम ने मोदी जी को हरा दिया है, शायद मोदी जी 5 लाख 6 लाख वोटों से जीत जाए। एक मिनट सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात है ये। शायद मोदी जी 5 लाख या 6 लाख वोटों से जीत जाते, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने आज उनको पहले से ही हारा हुआ घोषित कर दिया है। पूरा तंत्र जिस तरीके से ये डिक्लेयर कर चुका है कि मोदी जी बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं। जो मैं सोच करके आया था, जो मैंने सोचा था वो ना तो वैसा हुआ, और जैसा हुआ वैसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था सिंपली नॉमिनेशन के बाद में लड़ेंगे, मुझे ये नहीं पता था नॉमिनेशन ही नहीं होगा। इसके लिए मैंने आवाज इतनी उठाई, लोगों को बताया, लोगों ने सपोर्ट किया, शेयर किया। शेयर करने के बाद में इन्होंने 14 तारीख को 3 बजे के बाद में हमारे नॉमिनेशन लिए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने वीडियो भी डाला, बनाया, खुशी जाहिर की, लोगों को भी बहुत खुशी हुई। मैंने उनका सपोर्ट देखा, मेरे साथ बहुत लोगों का सहयोग था। मैंने कहा था एक तारीख को कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास तन मन धन की मेरे को जरूरत पड़ेगी। लोगों के आज तक मेल आ रहे हैं, मेरे पास आज तक मैसेज आ रहे हैं कि आपने अकाउंट नंबर कभी भेजे नहीं, पब्लिक नहीं किए। मैंने कहा था, मेरे मन में थी, मैंने कहा नहीं, जिस दिन नामांकन होगा एकदम कन्फर्म हो जाएगा तब लोगों से पैसे मांगेंगे, पहले नहीं मांगेंगे। अपने खुद के खर्चे पे सब चीजें करके हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था नामांकन के टाइम इतनी बड़ी मजाक हमारे साथ की जाएगी। ये मेरे साथ मजाक नहीं है, ये पूरे देश के साथ मजाक है, लोकतंत्र के साथ मजाक है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, उनके चेहरे पर तमाचा है। जो आपने बात बोली है ना कि नामांकन होगा, जो सपोर्टर बोल रहे थे इनके कि चुनाव आयोग एकदम न्यूट्रल है, इनका श्याम रंगीला का हो जाएगा, जिस दिन हो गया उस दिन बोला था कि ये देखो हो गया, ये देखो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि नॉमिनेशन मैंने ही करवाया था जो है। अब इसमें आप ये देख लीजिए जो है, इनका ये जो है, जो इनको चेकलिस्ट मिला है, इसमें किसी भी कालम में कोई कमी नहीं है। जो इसमें जो नीचे वाला कालम है, ये शपथ प्रतिज्ञान क्या लिया गया है इसमें नहीं। शपथ जो मजिस्ट्रेट के सामने या रिटर्निंग अफसर के सामने जो लिया जाता है, उस शपथ लेने में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो जेल अधीक्षक शपथ दिलवाता है, कोई कहीं पे बाहर है उसका प्रस्तावक या उसका एजेंट आता है, अगर वो नॉमिनेशन करता है तो वो व्यक्ति जहां रहता है वहां पे जो है शपथ लेता है। लेकिन जो कैंडिडेट खुद नॉमिनेशन कर रहा है तो उसको शपथ दिलवाने का काम जो रिटर्निंग अफसर है या सहायक रिटर्निंग अफसर है उनका है। तो जो लोग 3 बजे के आसपास जो भी लोग गए हैं वहाँ पे अंदर, उसमें से किसी को शपथ नहीं दिलवाया, और जिनका पर्चा सही था इनके अलावा भी, सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पे कि आपने शपथ नहीं लिया इसलिए आपका पर्चा खारिज किया जाता है। आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84A में और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है 1951 के इसके सेक्शन 36(2)A में प्रावधान है कि ये ओथ जो है ये रिटर्निंग अफसर या सहायक रिटर्निंग अफसर दिलवाएंगे, ये उनकी ड्यूटी थी। जब हम लोगों ने देखा, जब बाहर अधिवक्ताओं को किसी को अंदर नहीं जाने दिया, कहा कि केवल कैंडिडेट जाएंगे, जब हम बाहर देखे चेकलिस्ट में कि इसमें शपथ का नहीं है, हम तुरंत शपथ का प्रारूप तैयार करके तुरंत हम लोग यहाँ पे अंदर आए। सबसे पहले सहायक रिटर्निंग अफसर हम लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा शपथ, अब नहीं होगा, अब आप जाइए कल आइए। हमने कहा कि इसमें 11:59 आप लोग देख सकते हैं, 11:59 PM टाइम दिया हुआ है, 11:59 रात में दिया हुआ टाइम। हमने कहा
कि आपने टाइम दिया हुआ है, आप हमारा शपथ ले लीजिए, आपके यहाँ ही शपथ होना है, ये आपकी ड्यूटी थी। कहा नहीं लेंगे, डीएम साहब आ रहे हैं, आप बाहर इंतजार कर लीजिए। हम लोग इंतजार किए 9:30 बजे के लगभग, डीएम साहब 9:30-10 बजे के लगभग आए। जब हम लोगों को उन्होंने देखा तो कहा कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए, इंस्पेक्टर थे उनको डांटने लगे, तुम्हारी नौकरी चली जाए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कैसे आ गए, इनको जल्दी बाहर करो। तो ये आप देख सकते हैं, एक तरफ तो नॉमिनेशन फार्म लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में लाइन लगी रही, नॉमिनेशन फार्म नहीं लेने दिया गया। दूसरे तरफ नॉमिनेशन फार्म जब लोग लेने के लिए कतार में लाइन में थे, एक्ट में यह प्रावधान है कि आप जो है ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल करके भी नॉमिनेशन फार्म कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन फार्म जब प्रत्याशी लेने के लिए गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने नॉमिनेशन फार्म के बजाय ट्रेजरी चलान फार्म दिया। कहा कि आप पहले 10 प्रस्तावकों की सूची लाइए, उनका मोबाइल नंबर लाइए और ट्रेजरी चलान जमा करके आइए, तब आपको फार्म दिया जाएगा। ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जब लोग प्रस्तावकों की सूची और मोबाइल नंबर देने लगे, दे दिए, तो प्रस्तावकों को घर पर जाकर के धमकाया गया, उनको बैक किया गया, उनको प्रलोभन दिया गया, उनको मुकदमों की धमकी दी गई, प्रस्तावक सब चले गए पीछे, तमाम प्रत्याशियों को प्रस्तावकों को धमकाया गया। दूसरी बात, जब उनका प्रस्तावक का काम पूरा हो गया, फार्म का काम पूरा हो गया, ट्रेजरी चलान का फार्म पूरा हो गया, आप जो है ये समझ लीजिए कि 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक मात्र 14 नामांकन हुआ। और जब लोगों ने लिखा, बड़ी किया, बवाल किया, धरना प्रदर्शन किया, तो आखिरी दिन दबाव में आकर के जब मोदी जी का नामांकन हो जाता है, उसके बाद 3 बजे बिना अधिवक्ताओं के ऐसे ही ले जा करके सबको घुसा दिया। और जब रात हो गई 7 बजे 6 बजे 7:30 बजे सबको एक एक करके कि आपने शपथ प्रतिज्ञान नहीं लिया है, यह कहकर के लिख कर भेज दिया। किसी को कहा कि आप 11 बजे रात को दीजिए, किसी को कहा कि आप 9 बजे तक दीजिए, और सभी लोग चले गए। और फिर जब हम लोग आए तो हमारा जो है शपथ प्रतिज्ञान का प्रक्रिया पूरा नहीं कराए।